कच्छ से यहाँ वडोदरा आया और यहाँ तक पहुंचा है, आज जहाँ पे है वो। उसको बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था, वो छोटा था तब से बॉल हाथ में लेके ही घूमता था पूरा दिन। और हमारा छोटा सा गांव है कच्छ में, वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही है दयापुर का, तो वो क्रिकेट ही खेलता था मेरे आंगन में। तो मैं तो लड़के को या पढ़ा रहे, हम जॉइंट फैमिली रहते, मैं और मेरा छोटा भाई उसका फादर वसंत, तो मैं मेरे लड़के और सब लड़की है और उसका भी लड़का और लड़की दो है, तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ से मैं जाऊंगा तो पढ़ सकेंगे, वहाँ 12th तक ही था। तो उसके बाद कॉलेज में एजुकेशन के लिए मैं यहाँ आया बरोड़ा। बाद में उसने बोला कि मुझे क्रिकेटर होना है, तो मैंने बोला तो चल मेरे साथ, यहाँ कुछ नहीं हो सकेगा टेनिस बॉल के सिवा। तो उसको मैं साथ में 2017 को लेके आया, 17 को। तो उसके बाद ही उसका सफर यहाँ मोतीबाग से चालू किया मैंने, मेरा वो फ्रेंड है समीर शाह करके, उसने बताया कि भाई मोतीबाग में अच्छा ग्राउंड है, फैसिलिटी सब है और पिच भी बहुत भी अच्छी है और फैसिलिटी कोचेस भी अच्छी है। और उसने यहाँ के पूरा जी लगा दिया, उसका फोकस ही क्रिकेट था। उसने बोला मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे खाली क्रिकेट ही खेलना है। मैंने बोला भाई पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो वो बोलता है कि भाई आपको पढ़ने का क्यों बोल रहे हैं, आपको जो भी चाहिए वो इसमें आपको मैं दिला के दे दूंगा। तो भाई बोला ठीक है भाई, फिर भी पास तो करना पड़ेगा, परसेंटेज तो नहीं चाहिए, दो दो घोड़े पे सवार नहीं हो सकते हम, एजुकेशन में नंबर वन लाओ और क्रिकेट में भी, कोई भी एक तो छूटना ही छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसने मैंने बोला भाई ठीक है, तू तेरा चालू रख, तेरा जो गोल है। बाद में हमने उसके कोच ने भी बोला भाई उसका क्रिकेट मत छुड़वाना, ये बहुत आगे आगे जाएगा। तो उसके बाद चालू किया, 3 साल तो यहाँ रेड कार्ड में खेलना पड़ता है BCA में, 3 साल रेड कार्ड में खेला। बाद में कोरोना आ गया, उसके बाद अंडर 16 अपना रिलायंस जीवन टूर्नामेंट होता है अहमदाबाद, वहां गया। पहली टूर्नामेंट में उसने सबसे ज्यादा विकेट ली और मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज हुआ। और बाद में तो सफर चालू ही गया, बाद में BCA में आया 19 में। और तो बाकी का सबको पता है कि भाई वो सब विनुमाकड़ है, कुछ भी हारे कर्नल नायडू सिक्के नायडू टूर्नामेंट बनाया, बाद में NCA में उसका सिलेक्शन हुआ 1 साल, दूसरी साल भी हुआ, हाई परफॉर्मेंस कैप में भी हुआ, और उसके बाद चैलेंजर में खेला, त्रिकोणी जो था उसमें भी खेला, बाद में एशिया कप और इसके बाद वर्ल्ड कप की उसकी टूर है। हमने मेरा तो जब उसका NCA में सिलेक्शन हुआ ना, तभी मुझे लगा कि अभी ये लड़का चल जाएगा। तो अब जब फाइनल में आ गई है इंडिया। हाँ, अभी आधा घंटे पहले ही बात की है मैंने। क्या बोल रहा था? बस वो खुश था वो भाई, अभी मैंने बोला भाई अभी फाइनल तेरा ही है, तुझे ही जिताने का फाइनल, इंडिया में कब आना चाहिए बस। बाकी कितना कॉन्फिडेंस था? बहुत बहुत साला कॉन्फिडेंस था। और भी क्या कि वो बॉलिंग करता है तो बैटिंग का तो मौका ही नहीं मिलता, कभी कभार मिलता है ऐसा मौका आता है, तो उसने भी उसको बता दिया, लेकिन वो बैट अच्छा करता है, लेकिन वो क्या कि बॉलिंग के हिसाब से लिया है तो बॉलिंग ज्यादा फोकस रहता है उसका। आगे कहाँ तक उसकी जर्नी देखते हैं? बस अभी तो 19 हुआ है खत्म, अभी एक आध दो साल में हम सोच रहे हैं कि भाई इंडिया के लिए खेले, वो ही हमारा गोल है आखिरी, और इंडिया के लिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करे और उसको जीता है। तो लगता है कि वो राग ये परंपरा निभाएंगे। हाँ, वो सवाल ही नहीं है, वो तो निभाए गई और वो आएगा ही टीम में, तो सवाल नहीं, हमको पूरा विश्वास है, माता जी हमारा कुलदेवी मिया माता जी है, उसको भी भरोसा है और वो आगे लेके जाएगी, हमारा SDD भी है। आपका नाम? मेरा नाम मनीलाल है, पूरा नाम बताइए। मनीलाल रतन सिंह पटेल, मैं पटेल लिखवाता हूँ, और वो सब बाकी मेरे परिवार वाले लिम्बानी है, वो पहले से जल रहा था ऐसा। अच्छा, आप उनके अंकल हैं? हाँ, मैं उसका बड़ा पापा हूँ, मतलब फुल पावर पैक खिलाड़ी है, मेहनत में कभी चीटिंग नहीं करता है, और पूरा डेडिकेशन है उसका क्रिकेट के लिए पहले से ही। क्या मतलब आपने खास उसको टिप्स दिया था जाने से पहले, क्या क्या सिखाया था आपने उसको? जाने से पहले हमने मतलब तैयारी काफी टाइम से चल रही थी, मतलब 4 से 5 महीने से चल रही थी, उसके बॉलिंग पे वर्क चल रहा था,
उसका लोड काफी ज्यादा हो गया था, तो हम सिर्फ बेसिक पे फोकस कर रहे थे कि जितना वो आगे डाले, नया बॉल हर रोज नया बॉल डाल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे कि आगे ही गिरे, और मेन स्विंग पे फोकस कर रहे थे। तैयार होते हैं, इसकी क्या खासियत है, इसके पास क्या स्पेशलाइजेशन है? इसके पास स्पेस और स्विंग दोनों चीज है, मतलब पूरा पैकेज है वो, और उसका मतलब बाउंसर है हो गया और इन स्विंग दोनों, मतलब आप देख ही रहे हो मैचेस में भी उसका मेन हथियार है। कहाँ देखते हैं अभी? अभी अभी तो इतना वो नहीं कर रहे, पर इंडिया टीम जीते फाइनल उस पर फोकस ज्यादा है। और उसके बाद लगता है कि वो जो हमारे वडोदरा की परंपरा है उसको आगे तक लेके जाएंगे, जैसे हमने हर एक खिलाड़ी को मतलब हर बार वडोदरा ने इंटरनेशनल खिलाड़ी दिया है नेशनल टीम में, हाँ तो फोकस, हाँ वो निभाएगा।